दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ ही दिन बाद ITI एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो उन एग्ज़ाम्स पर काफ़ी चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होंगे या एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, वो सब उसके बारे में हमने और वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फिटर, टर्नर और वेल्डर, ठीक है। फिटर, टर्नर और वेल्डर के आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चंस को, जो कि होने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ITI एग्ज़ाम की दृष्टि से। और अगर आप ITI से किसी टेक्निकल एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर जो है, ग्राइंडिंग पिकलिंग किस प्रकार की लागत में आते हैं। तो ग्राइंडिंग पिकलिंग जो है दोस्तों वो फिनिशिंग लागत में आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैम्प इलेक्ट्रोड्स, घटिया इलेक्ट्रोड और लंबी आर्क के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो डैम्प इलेक्ट्रोड जो होता है, यानी घटिया इलेक्ट्रोड और लंबी आर्क जो निकलती हैं उनसे, उसके कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो होता है पेरोसिटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, SMAW वेल्डिंग में कैसा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो SMAW वेल्डिंग में दानेदार फ्लक्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, एक CHU कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो एक CHU -453.6 कैलोरी के बराबर होता है। अगला है, उष्मा किसके द्वारा मापा जाता है। तो उष्मा मिति द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप होती हैं, तो वो सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं, उसका कोई ऐसा विशेष आकार नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, 11G वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो खर्च इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोज वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता। जो ब्रोज वेल्डिंग जो होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ब्रोज वेल्डिंग जो होती है दोस्तों उसमें जो पोस्ट हीटिंग होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये देखिएगा। अगला है, वेल्डिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक है। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है यह धातु को ऑक्साइड्स नहीं बनने देती हैं, इसलिए ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम लाभदायक होती हैं, ठीक है। किस प्रकार लाभदायक हैं, क्योंकि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो होती है वो धातुओं के ऑक्साइड नहीं बनने देती हैं। अगला है, वेल्ड सतह का पता किन चिन्हों द्वारा किया जाता है। तो सप्लीमेंट्री चिन्ह जो होते हैं उनके द्वारा वेल्ड सतह का पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो 11 नंबर है, वो है, बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्ड धातु में इसके ठोस रूप में आते समय रह गई गैसों के कारण पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं ब्लो होल, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर सिल्वर का प्रयोग करते हैं तांबे की वेल्डिंग के लिए। अगला है, रंगम मेटल वेल्डिंग रोड का उपयोग होता है, तो पीतल की कढ़ाई के लिए होता है। रंगम मेटल वेल्डिंग रोड जो होती हैं उसका प्रयोग पीतल की ढलाई के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप वेल्डिंग रोड किस उपयोग में आता है। तो पाइपों के जो जोड़ बनाते हैं उसके लिए पाइप वेल्डिंग रोड काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम जो होती हैं वो माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगला पॉइंट है, प्लेट वेल्डिंग एक वेल्डिंग है, कौन सी वेल्डिंग है। फ्यूजन वेल्डिंग है प्लेट वेल्डिंग, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, तांबे की वेल्डिंग में किस आर्क का प्रयोग किया जाता है। तो तांबे की वेल्डिंग में शॉर्ट आर्क का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग विधि का विवरण दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों टेल पर। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है। तो वेल्डिंग सिंबल जो होते हैं उनके द्वारा किसका पता चलता है, जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश का। वेल्डिंग सिंबल्स का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अब जाकर चैनल पर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए। एसिटिलीन गैस का जो पाइप है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गैस वेल्डिंग जब हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए। तो एसिटिलीन गैस को सबसे पहले बंद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाथ द्वारा चलाए जाने वाले वेल्डिंग को क्या कहते हैं। तो मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग कहते हैं हाथ द्वारा चलाई जाने वाली वेल्डिंग को।
अगला क्वेश्चन है, डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है? तो 40 वोल्ट की ज़रूरत होती है डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए, याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी वेल्डिंग जनरेटर में कितना एम्पीयर करंट देने की क्षमता रखता है? तो डीसी वेल्डिंग जनरेटर में कितना एम्पीयर करंट देने की क्षमता रखता है? वो रखता है 20 से 1000 एम्पीयर, याद रखिएगा। अगला है, वेल्डिंग में पंखा क्या कार्य करता है? तो वेल्डिंग में पंखा जनरेटर को ठंडा करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला है, एसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है? 85%, 85% जो है एसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता होती है। अगला है, डीसी वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है? तो 65%, यानी कि 65% डीसी वेल्डिंग की दक्षता होती है। अगला है, एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए कितने वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है? एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए 80 से 120 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, प्लेट वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग है? प्लेट वेल्डिंग में फ्यूजन वेल्डिंग होता है, याद रखिएगा। अगला है, पाइप वेल्डिंग कैसे की जाती है? तो बॉटम से टॉप की तरफ पाइप वेल्डिंग की जाती है, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला है, आर्क वेल्डिंग में बीड को चलाने के लिए कितने डिग्री का कोण प्रयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में बीड को जब चलाते हैं तो उसके लिए 60 डिग्री के एंगल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने mm से कम होना चाहिए? 10 mm से कम होना चाहिए इलेक्ट्रोड का व्यास आर्क वेल्डिंग में। अगला है, यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, ठीक है। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, जब वेल्डिंग करते हैं तो पार्ट की लंबाई कम हो जाती है, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। अगला है, यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की चौड़ाई घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन कहते हैं। अगला है, फिलेट वेल्ड में उत्पन्न होने वाले डिस्टॉर्शन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंगुलर डिस्टॉर्शन। अगला पॉइंट है, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोण न होने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ओवरलैप उत्पन्न हो जाता है अगर वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण सही नहीं है तो, याद रखिएगा। अगला है, मूल धातु का सही न होने से वेल्ड में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो क्रैक हो जाती है। अगला है, डैम्प इलेक्ट्रोड से की गई वेल्डिंग में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो डैम्प इलेक्ट्रोड से की गई वेल्डिंग में पोरोसिटी दोष उत्पन्न हो जाता है। यही क्वेश्चन सेम पहले भी आ चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, वेल्डिंग करने के बाद जो उष्मा उपचार की जाती है ताकि स्ट्रेप को दूर किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लॉक्ड फोर्स, याद रखिएगा। अगला है, रोट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु का फिलर रोड प्रयोग करते हैं? तो तांबे की परत चढ़ी हुई माइल्ड स्टील का प्रयोग किए जाते हैं रोट आयरन को वेल्ड करते समय, ठीक है। अगला है दोस्तों, कौन सी वेल्डिंग अपेक्षाकृत महंगी होती हैं? तो गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग जो होती है वो महंगी होती हैं अन्य वेल्डिंग की अपेक्षा। अगला पॉइंट है, टंगस्टन एनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के करंट का प्रयोग करते हैं? तो उसमें एसी या डीसी दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? तो उसे फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से। दोस्तों आप लोगों के लिए ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आया हूँ, तो आप फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि मुझे मोटिव मिलता रहे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, गैस कटिंग एक प्रक्रिया है? तो गैस कटिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। अगला है, जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का ज्वलनांक जो होता है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। अगला है, स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी प्री हीटिंग किस तापमान तक करनी चाहिए? तो लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टील की गैस वेल्डिंग करते समय उसकी प्री हीटिंग करनी चाहिए, यानी कि उसको पूर्व गर्म कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला है, ग्राइंडिंग पिकलिंग किस प्रकार के लागत में आते हैं? तो आते हैं फिनिशिंग लागत में, याद रखिएगा।